Is welcome to my channel. This is Munmun and you watching me on my channel discussing with Munmun. So guys, thumbnail dekhkar aap log samajh gaye honge ki main kis video ke aaj discuss karne wali hu. तो चलो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि ट्रेंडिंग में था और बहुत ज़्यादा ये वीडियो पॉपुलर हो रहा है, सबको ये वीडियो कर रहा है, तो मैं सोचे मैं भी करूँ. तो चलो मैं भी करती हूँ. लेकिन वीडियो तो मैंने पहले कर लिया है, नेल एक्सटेंशन मैंने पहले कर लिया था. तो अभी मैं उसके बाद ये बात कर रही हूँ आपके साथ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा. मतलब मैं क्या मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने किया. लेकिन डिफरेंट ये होगा कि मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं सारे फिंगर में नेल एक्सटेंशन नहीं की हूँ. देखो ठीक है, ये दोनों फिंगर में मैंने किया है और बाकी ये तीनों फिंगर जो है मेरा ये रियल नेल्स है. तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग का जो रियल नेल्स है वो ग्रोथ हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया, उसको काटने में तो अच्छा नहीं लगेगा. इसीलिए मैंने ये किया क्योंकि राइट हैंड में मैं बहुत ज़्यादा घर का काम करती हूँ. आपने मेरे व्लॉग में देखा ही है, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ता है और दो काम तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली होती है जिसमें नेल्स जो है वो टूटने का डर होता है. एक है कपड़ा धोना और एक है बर्तन, ये दोनों चीज़. तो ओके, तो इसलिए मैंने ये राइट हैंड का जो है ना, राइट हैंड का जो फिंगर्स का नेल्स का वो इंटेंशन नहीं किया है, तो इसी में मैंने किया है. तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा. थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मुझे फील हुआ था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये दो लगाने में, नहीं ऐसा नहीं कि मैं सारा फिंगर में नहीं लगा सकती, जब दो लगाने में मुझे हिम्मत आया तो सारा फिंगर में भी मैं लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने कट नहीं किया अपने रियल नेल्स को. तो गाइस वीडियो को जाने से पहले ये बता दूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से अपने वीडियो को बनाती हूँ. आप मेरे पीछे का कोई सेटअप नहीं है, बस एक नॉर्मल मैं एकदम तैयार होकर बैठ जाती हूँ आप लोग के सामने और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हर चीज़. तो चलो वीडियो पे चलते हैं और लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़. अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं आगे बढ़ूँगी, वरना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी आगे बढ़ूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करना. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब मैं डिफरेंट क्या करने वाली हूँ, ये देखो आप मेरा ये नेल्स लेफ्ट हैंड का एक्सटेंशन मैं लेफ्ट हैंड का ही करूँगी क्योंकि मैं राइट हैंड का इसलिए नहीं करूँगी, बहुत सारा काम करना पड़ता है. हाँ अगर मैं कोई पार्टी फंक्शन में गई तो मैं ज़रूर इसमें भी करूँगी राइट हैंड में, तो इसमें तो नेल्स बिल्कुल नहीं मेरे बड़े होते हैं. और यहाँ पे जो है ये तीन, ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर और ये जो फिंगर है, ये तीनों फिंगर में अच्छे खासे नेल निकले हुए हैं. तो अब मेरा अलग करने का मतलब ये है गाइस कि मैं ये और ये दोनों फिंगर का नेल्स देखो आप छोटा छोटा है, तो इसे मैं कट करूँगी, जिसके लिए मैंने सारा कुछ रख लिया है. बहुत सारे नेल पॉलिश यहाँ पे है, तो कौन सा नेल पेंट मैं यूज़ करूँगी, मैं कोई भी एक कर लूँगी. ये नेल रिमूवर रखा है, कॉटन है और फाइल्स है और ये नेल कटर है. तो मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मैं खोल रही हूँ. इसमें एक मैंने पहले भी निकाल के एक बार देखा है और गाइस पहली बार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, लेकिन हर कोई तो पहली बार करता है, परफेक्ट करता है, तो चलो मैं भी करूँगी. तो इसमें 100 नेल्स है, तो देखो यहाँ पे, और ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा इसको मैं बाद में देखूँगी, अभी सबसे पहले तो मुझे यहाँ चॉइस करनी कौन सा, मतलब चूज़ मतलब कि जो मेरे ये फिंगर और ये फिंगर के मेरे लिए कौन सा है मैं देखती हूँ. आई थिंक ये जो छोटी वाली है ये वाला, ये इस फिंगर के लिए है, ये फिंगर के लिए शायद, यस ये फिंगर के लिए है, और बीच का शायद ये, मैं देखती हूँ इसको अभी को ट्राई करके. यस हाँ ओके अच्छा ओके, तो ये दो हैं. अब सबसे पहले तो मुझे इस नेल कटर से पहले इसको थोड़ा सा स्माइल एरिया को थोड़ा सा और इसको कट करके छोटा करना है. ये मैंने कट कर लिया है,
ओके अब मैंने इसको कट कर लिया है, अच्छे से हो गया है। गाइस ये वाला जो फिंगर है, ये सब का जितना ये नेल्स मेरा बढ़ा हुआ है, अगर मैं ये लगाती हूँ गाइस, इसको अगर मैं ऐसे करती हूँ तो इसके साथ आई थिंक थोड़ा सा ये शेप और ये शेप बिल्कुल अलग है, तो बाद में मैं इसको ठीक कर लूँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा ये जो नेल है इसमें हो रहा है, और ये जो नेल है ये भी इसमें हो रहा है। यस, तो दोनों ठीक हैं, अब कुछ नहीं करना है, इसे थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों रखी हूँ, ये इसके लिए ज़रूरत होता है। अगर आप नेल पेंट में हो तो रिमूव कर लो, मैं नेल पेंट में नहीं हूँ तो इसको अब मेरा कोई काम नहीं है। अब मैं ग्लू से पहला तो मैं ये काम करती हूँ थोड़ा सावधानी से। और ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये, क्योंकि ये फेक नेल्स है तो इसका तो आपको लगेगा ही अलग, लेकिन और ये मेरा रियल नेल्स है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट इस ओके और अच्छा भी लग रहा है गाइस देखो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप नेल पॉलिश लगाने के बाद ही ये थोड़ा सा फिनिश लगेगा। तो मैं देखती हूँ, मैं ग्लू को हटा देती हूँ, बहुत डेंजर चीज़ है। एंड इसमें से कौन सा लगाऊँ, मैं इसमें से कौन सा लगाऊँ, मैं ये वाला ये अप्लाई कर रही हूँ। तो वीडियो तो मैंने पहले ही आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। ओके
गाइस मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा इसको लगाने में, पता नहीं मैंने ठीक से ये किया है कि नहीं। नेल एक्सटेंशन तो मैंने कर लिया है, लेकिन नेल पेंट के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी आपको पता भी नहीं चल रहा है कौन सा आपका रियल है फेक है, ये पता नहीं चल रहा। हाँ, इसमें अगर है कि मैं मेरे जो रियल नेल्स है ये तीन जो एक्चुअली गोल शेप में है, और ये थोड़ा सा मेरा ये शेप गोल नहीं है, लेकिन वो कोई बात नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा कट कर सकती हूँ या फिर मैं इस जैसा इसको गोल कर सकती हूँ, ये भी हो सकता है, तो मैं इसे गोल भी कर सकती हूँ। ये नेल पॉलिश नेल पर लगाने के पहले मैं करना चाहिए था, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप बाद में भी कर सकते हो, अपना नेल्स लगाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी नेल पर सूख जाने के बाद मैं इसे भी गोल कर लूँगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अभी अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी पार्टी फंक्शन में गए तो भी यूज़ बहुत अच्छा हो सकता है। और फटाक से लग गया है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और जो मुझे डर लग रहा था वो बिल्कुल नहीं लग रहा है।